मुझ में कहीं बाकी है। पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, जुदाओं के भी नहीं। राधा, राधा मैं जानता हूं कि तुम मुझे रोकने आई हो, लेकिन मेरा इस घर से चले जाना ही ठीक है राधा। इसी में इस परिवार की भलाई है। तुम्हारा ये सोचना गलत है। इस परिवार को तुम्हारी जरूरत है। मैं इस परिवार के साथ हूं राधा, हमेशा, पर मैं इस घर में नहीं रहूंगा। परिवार के लिए इस वक्त तुम्हारा साथ होना ही नहीं, तुम्हारा पास रहना भी जरूरी है। राधा, लेकिन अगर मैं इस घर में रहा तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो श्लोक कि तुम्हारे इस फैसले की वजह से तुम जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ ना कर पाओ। तो फिर बताओ मुझे क्या बात है राधा, वो कौन सी बात है जो तुम अब तक मुझसे छुपा रहे हो? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। अगर नहीं बता सकती तो तुम्हें मुझे रोकने का भी कोई हक नहीं है। जाने दो मुझे। तुम्हें मेरी कसम, अविनाश लीजिए। क्या ये राशन की लिस्ट? किचन का सारा सामान खत्म हो गया। अरे तो ये लिस्ट तो मेघना को दो ना। क्या हुआ मेघना? कुछ नहीं। सारा ये राशन की लिस्ट देख लो ना और पैसे दे दो। मेघना क्या सोच रही हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? पैसे नहीं है? कितने पैसे चाहिए? और क्या क्या लाना है देख लो। मंदिरा, तुमने क्या कोई पार्टी रखी है? अच्छा सुनो, कुल मिला के एक मिनट, ये ले, बस इतने से काम चला। और सुनो, कल जब मैं ऑफिस से वापस लौटूंगी तब मुझे पूरा का पूरा हिसाब देना। हिसाब तो मेरा बिगड़ गया है, अब इन चिल्लरों से गुजारा करना पड़ेगा। बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ गई है चुड़ैल पर रोप जमाने की। आरती है वो अपने कमरे में, क्या मैं उसे मिल सकता? आओ।
कैसे हो तू? बहुत अच्छे वक्त पर आए। पता है, एक खुशखबरी देनी थी तुम्हें। मुझे साउथ के वर्ल्ड फेमस नाट्य और कला केंद्र में एडमिशन मिल गई है। अब मैं वहीं जाकर भरतनाट्यम में स्पेशलाइजेशन करूंगी। आरती, मैं श्लोक, कुछ मत बोलो और मेरी फिक्र भी मत करो। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। पता है श्लोक, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम अपने पास्ट को भुला दो, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। श्लोक, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही, लेकिन मैं सारी जिंदगी राधा की परछाई बनकर तुम्हें काट सकती ना। तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। इसी में हम सबकी भलाई है, क्योंकि अगर मैं यहां रही तो ना मैं खुश रह पाऊंगी और ना तुम। बताए श्लोक, मैंने हमेशा तुम्हारी आंखों में वो प्यार ढूंढने की कोशिश की, जो प्यार मेरी आंखों में तुम्हारे लिए है। लेकिन जब मुझे वो प्यार दिखा तो वो मेरे लिए नहीं था, राधा की। मैं अब इस नाम को हमेशा हमेशा के लिए अपने आप से अलग कर लूं। तुम आजाद हो, बिल्कुल आजाद। लोग, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, पर याद तो अपने आप से कि मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए थोड़ी भी जगह नहीं बना पाई। राधा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं तुम दोनों कभी एक हो पाओगे या नहीं। हेलो, कहाँ गायब हो जाती हो? अब वो थोड़ी सी बिजी थी, वैसे आज मिल सकती हूँ। हाँ, कहाँ मिलना है? वही पुराने वाले रेस्टोरेंट में, जहाँ वो पिज्जा और बर्गर अच्छा मिलता है ना, याद है आपको? ओके। कहना सुना रेखा जी, आज मैं आपको ऐसी शॉकिंग न्यूज देने वाली हूँ, ऐसी शॉकिंग न्यूज देने वाली हूँ जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी। शॉकिंग न्यूज वो होती है जिसके बारे में पहले कभी सुना ना। तभी न्यूज बताओ। वही तो, वही वाली शॉकिंग न्यूज। क्या है पहले सोने के अंडे तो निकालो, फिर मैं अपना मुंह खोलूं।
मतलब? ओफो, दक्षिणा दिए बगैर पंडित जी पूजा कैसे करेंगे? हाँ, अब बताओ ये जो प्रिंसेस है ना, प्रिंसेस ये राधा और स्वप्निल की बेटी है ही नहीं। तो किसकी बेटी है वो? अगर मुझे पैसों की जरूरत ना होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। अगर मैंने राधा ताई के अतीत के बारे में कुछ भी बताया तो राधा ताई के लिए मुसीबत बन जाएगी। नहीं नहीं, मैं सोनालिका को कोई गोलमाल कहानी सुनाकर फिलहाल तो गोल करती हूँ, आगे की आगे देखेंगे। बताओ किसकी बेटी है वो? क्या है ना कि प्रिंसेस है ना, वो राधा के पहले पति की बेटी है। राधा का पति कहाँ है वो? आज के लिए इतना ही। अगर ये खबर गलत निकली तो मेघना लाइफ टाइम मनी बैक की गारंटी देती है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। राधा, तुम्हारा ये राज तुम्हारे गले की फांस बन जाएगा। मिस्टर वाधवा, मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए। मैंने अपनी शर्तों के बारे में तुम्हें पहले ही बता दिया था कि अगर वक्त पर पैसा नहीं मिला तो डील कैंसिल। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने उन 80 करोड़ रुपए को भूल जाओ। दोबारा अगर उन पैसों को मांगने की कोशिश भी की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। I got it, Mr. Vadhva. I got it. अगर नहीं बता सकती तो तुम्हें मुझे रोकने का भी कोई हक नहीं है। जाने दो मुझे। तुम्हें मेरी कसम। मैं अब इस नाम को हमेशा हमेशा के लिए अपने आप से अलग कर धोखेबाज हो तुम साहब, धोखा किया है हमारे साथ। क्या बकवास है? मजदूरों के प्रोविडेंट फंड के पैसे खाकर मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? अभी तक इस कंपनी में जितने भी वर्कर्स ने वीआरएस लिया है उन्हें प्रोविडेंट फंड का चेक तो मिला, लेकिन वो सारे के सारे चेक्स बाउंस हो गए हैं। क्या जरूर कोई गलतफहमी हुई है? मैं अभी आप सबके सामने बैंक मैनेजर को फोन मिलाता हूँ। मिलाइए। हेलो, मैं मिस्टर श्लोक नेरूकर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। ये बताइए कि हमारी कंपनी के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कितना बैलेंस है? एक मिनट।
सर, आपकी कंपनी के प्रोविडेंट फंड्स तो नीले हैं, इसमें कोई बैलेंस नहीं है। व्हाट? जी सर। क्या हुआ? जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? हेलो। हेलो मिस्टर देशपांडे, हमारे वर्कर्स के प्रोविडेंट फंड अकाउंट से बैलेंस कहाँ गया? कहाँ गए वो सारे पैसे? सर, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वैसे भी मैं पिछले 4 दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। और आप 3-4 दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? मेरी बेटी की तबीयत खराब है। हेलो 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 बोलिए, हो गई तसल्ली? देखिए, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। अरे छोड़िए ये नाटक साहब, ये सब इन लोगों की मिलीभगत है। स्वप्निल नेरूरकर के सिग्नेचर्स के बिना प्रोविडेंट फंड का सारा पैसा गायब कैसे हो सकता है? और हमने तो ये भी सुना है कि स्वप्निल साहब ने ये कंपनी किसी और को बेच दी है। ध्यान रखना, मजदूरों के साथ धोखेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलो। नहीं, मैं सिर्फ इन लोगों की बातों को सुनकर स्वप्निल दादा पे शक नहीं कर सकता। मुझे इस बारे में दादा से खुद ही बात करनी होगी।